बहुत याद आती है टोनी भैया आपकी। तो बेटा कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे के नीचे ही। लास्ट सीजन केडी भी बेटर था क्या? और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज हंस गुप्ता। मैं बनाता हूँ फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड यूट्यूब। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कर रहे हैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन पार्ट टू, जिसमें हम ले रहे हैं टोनी क्रूज द मैजिशियन, द स्नाइपर एंड केविन डे ब्रूने, मैनचेस्टर सिटी लेजेंड आई गेस। दोनों का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। टोनी क्रूज द लेजेंड टीम रियल मैड्रिड टीम लेगेसी होल्डर, नेशनल टीम है जर्मनी, पोजीशन है सेंट्रल मिडफील्डर। सेंट्रल मिडफील्डर वो होता है जो अटैकिंग एंड डिफेंसिव दोनों रोल्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता है मैच के अंदर। राइट फुटेड, हैशटैग 8, जर्सी नंबर एंड एज 34। वही बात करते हैं केविन डी ब्रूने की, तो मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं, नेशनल टीम बेल्जियम है, हैशटैग 17, केट नंबर, राइट फुट, अटैकिंग मिडफील्डर। अटैकिंग मिडफील्डर का मतलब हुआ जो डिफेंसिव रोल कम एंड मोर फोकस अटैक की तरफ रखता है और हालैंड को एसिस्ट देता रहता है। एज 33, केविन डी ब्रूने एवरीवन। ऑल टाइम करियर स्टैट्स की बात करते हैं तो केविन डी ब्रूने ने 574 मैचेस खेले हैं, जिसमें उसने 151 गोल्स एंड 238 असिस्ट दिए। जीए क्या बनेगा ये तो खुद कैलकुलेट कर लो। टोटल 44,653 मिनट्स खेला है केविन डी ब्रूने। वही बात करें अगर टोनी क्रूज की तो 757 मैचेस खेले हैं, जिसमें उसने 68 गोल्स एंड 141 असिस्ट एंड टोटल मिनट्स ही हैज प्लेड इज 57,575 मिनट्स टोनी क्रूज ने अपने लाइफ टाइम करियर में फुटबॉल खेला है। मुझे तो इन लगता है मैंने अपने गली में भी इतना खेला होगा। सी एक्सपीरियंस को कोई नहीं हरा सकता, बट एक कंपैरिजन की बात करें ना तो यहाँ पर एक अटैकिंग मिडफील्डर वर्सेज अ सेंट्रल मिडफील्डर हो रहा है। दोनों का माइंडसेट काफी डिफरेंट है। अब कंपेयर करते हैं उनके लास्ट ईयर की, उनकी जो स्पेसिफिक लीग्स हैं, जैसे केविन डी ब्रूने प्रीमियर लीग में खेलता है, टोनी क्रूज ला लीगा के अंदर खेलता है, तो यहाँ पर इन लोगों का क्या स्टैट्स रहा था उसको हम कंपेयर करेंगे, दैट इज गोल्स, एसिस्ट, पास, शॉट्स, एक्यूरेसी, हर एक चीज को। टोनी क्रूज की बात करते हैं, 33 मैचेस के लिए टोटल 2,129 मिनट्स और 24 में स्टार्ट किया, 9 में सब इन हुए और 6 में सब आउट हुए। यही बात करें तो केविन डी ब्रूने की, तो वी ऑल नो लास्ट ईयर वो थोड़ा सा इंजर्ड रहे थे, तो उन्होंने टोटल 18 मैचेस खेले हैं, 1200 मिनट खेले हैं, जिसमें से 14 में स्टार्ट किया है, 3 में सब इन हुए हैं और 8 के अंदर सब आउट। केविन डी ब्रूने के गोल्स देखे लास्ट ईयर, सो दैट वॉज तो हर 307 मिनट में उन्होंने एक गोल प्रोवाइड किया। यही बात करें अगर टोनी क्रूज की तो उन्होंने एक गोल मारा है, नौ गोल इन्वॉल्वमेंट रही है, क्या रहे हर 2000 लास्ट सीजन 30 मिनट बेटर था क्या? एक टोटल शॉट टेकन बाय टोनी क्रूज लास्ट सीजन वाज 26, जिसमें से ऑन टारगेट 13 थे और ऑफ टारगेट 13 थे। भाई 50% का रेशियो है बंदे का, कि अगर टोनी क्रूज कभी भी शॉट लेता है टॉप ऑफ द डी से ले, सेंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ के ले या डी के अंदर जाके ले, तो देयर इज 50-50 चांस इधर इट विल हिट द टारगेट और इट विल नॉट। तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये बहुत छोटा नंबर है यार, 50% यार, मतलब देखो मतलब बंदा श्योर भी नहीं है कि मार पाएगा नहीं मार पाएगा। तो लेट्स गो टू केविन डी ब्रूने। तो केविन डी ब्रूने की बात करें तो 26 शॉट मारे थे लास्ट सीजन, जिसमें से 14 ऑन टारगेट हैं, 12 ऑफ टारगेट हैं। दैट्स की शॉट एक्यूरेसी इज 53.65%। सो दिस ब्रिंग्स टू अस अ लेवल कि चाहे वो टोनी क्रूज हो चाहे वो केविन डी ब्रूने हो, 50% एक बहुत बड़ा नंबर है। तुम ना एक मैच में 20-20 शॉट मारते होंगे और एक भी टारगेट पे नहीं जाता होगा। यहाँ वो लोग इतने हाई प्रेशर के अंदर एक पूरी लीग के अंदर 26-26 शॉट मार रहे हैं, जिसमें से उनका 50% की श्योरिटी है कि वो टारगेट पर जाएगा। अब मेजर करेंगे असिस्ट, कितनी पासिंग रही और कितनी चांस क्रिएट करें। अगर केविन डी ब्रूने के बारे में बात करें तो 10 असिस्ट दिए उन्होंने लास्ट सीजन, 717 पासेस बनाई थी, जिसमें से 592 वर सक्सेसफुल। का पास कंप्लीशन रेट इज 82.57% गाइस। 54 की पासिस करी हैं टोटल, पूरे प्रीमियर लीग में 131 क्रॉसेस डाले, जिसमें से 35 वो सक्सेसफुल। केविन डी ब्रूने इज नॉट अ विंगर, बट अगर विंग पे आके भी 131 क्रॉसेस आई, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि उसने भाग के क्रॉस डाला होगा, सेट पीस से भी क्रॉस ही डाला है, ठीक है, या डी के टॉप ऑफ द डी पे भी मिडफील्ड पोजीशन से आके आप क्रॉस डालते हो, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्रॉस। तो उसमें से उनके 35 क्रॉसेस कंप्लीट हुए हैं, इसका मतलब उनका क्रॉस का कंप्लीशन रेट इज 26.72। कंप्लीशन रेट आई कंसिडर कि यार हालैंड था तो ही वॉज एबल टू स्कोर, ही वॉज एबल टू जज कि केविन डी ब्रूने कहाँ मेरे को बॉल दे सकता है क्रॉस में, बट आई डोंट थिंक सो कोई और स्ट्राइकर होता तो होता। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हर एक, मतलब उनकी हर एक असिस्ट 123 मिनट्स पर आई है, मतलब हर 1.45 मैच के अंदर उनका असिस्ट आया है।
अब रुको जरा, सबर करो। टोनी क्रूज के एसेस पासिंग एंड चांस क्रिएशन स्टैट्स को मेजर करते हैं। 8 एसेस बनाई है, 2,363 पासेस करी हैं उसने पूरे ललीगा के अंदर, जिसमें से 2,236 वर द सक्सेसफुल पासेस। उसका पासेस कंप्लीशन रेट ना 94.63 है। तो बेटा कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे के नीचे ही। 119 क्रॉस डाली जिसमें से 38 क्रॉस वर सक्सेसफुल, एंड दैट मेक्स हिज सक्सेसफुल रेट एज 31.93%। एसएस की बात करें तो हर 266 मिनट में उन्होंने एक एसएस प्रोवाइड करी है। आई नो उन्होंने एसएस थोड़ी ज्यादा मिनट्स में प्रोवाइड करी है, बट वी ऑल नो कि टोनी क्रूज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लास्ट सीजन विद रियल मैड्रिड, और आज भी हम उसको मिस कर रहे हैं। सेंट्रल मिडफील्डर था ना यार, अटैक भी करना है डिफेंस भी करना है, बॉल लूज हुई तो गेटिंग बैक इज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई ही डोंट यूज टू ड्रिबल, ही यूज टू यू नो गिव द की पासेस, प्रोवाइड द की क्रॉसेस, चेंज द डायरेक्शन, मेंटेन द कंपोजर। नौ ड्रिबल्स करें जिसमें से उसके 5 सक्सेसफुल रहे, तो सक्सेसफुल रेट इज 55.56%। नौ ड्रिबल तो विनीशियस एक मैच में कर देता है वैसे। अटैकिंग को ज्यादा जरूरत होता है प्लेयर्स को ड्रिबल करने का। मिडफील्ड, अगर आप अटैकिंग मिडफील्डर हो तो उसका मतलब आपके पास सपोर्टिव डिफेंसिव है, ठीक है। इफ देयर इज नो वन तो सेंट्रल मिडफील्डर कम ड्रिबल करेगा। 29 ड्रिबल्स है केविन डी ब्रूने का और 9 ड्रिबल है टोनी क्रूज का। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अटैकिंग मिडफील्डर एंड डिफेंसिव, लाइक मोर ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर। तो केविन डी ब्रूने ने 29 ड्रिबल्स करे जिसमें से 10 उसके सक्सेसफुल थे, एंड हिज सक्सेस रेट बिकम्स 34.48%। इस चीज को मैं लेस नहीं कहूंगा टोनी क्रूज से, बिकॉज यहां पर अटैकिंग मिडफील्डर की बात हो रही है और केविन डी ब्रूने को ज्यादा ड्रिबल ट्राई करने ही पड़ेंगे, यू नो बीइंग एन अटैकिंग मिडफील्डर, बिकॉज उसको अपने लिए शॉट की जगह भी निकालनी है। तो दैट यू नो इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ, यहाँ पर केविन डी ब्रूने इज समवेयर द क्लियर विनर इन ड्रिबलिंग। पेनल्टी स्टैट्स भी देखते हैं टोनी भैया के, तो दो लास्ट सीजन उन्होंने पेनल्टीज, अच्छा करियर में ही दो लिए, लास्ट सीजन तो कोई ली नहीं, करियर में दो पेनल्टीज ली हैं और दोनों ही स्कोर करी हैं। तो 100% के साथ, 100% के साथ टोनी क्रूज भैया ने अपनी पेनल्टी करियर को खत्म किया। बात करते हैं केविन डी ब्रूने की, तो पूरे करियर में उन्होंने 10 पेनल्टी ली है जिसमें से 8 स्कोर की है और 2 मिस करी है, तो 80% का उनका करियर रेट है और लास्ट सीजन उन्होंने कोई भी पेनल्टी नहीं ली थी। सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर द प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन। व्हाट यू गाइस थिंक कि कौन ज्यादा बेटर था, कहां पर कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो मुझे और लेने चाहिए, जरूर बताना, क्योंकि हमने उनके ऑल टाइम करियर स्टैट्स को मेजर किया, लास्ट सीजन के करियर स्टैट्स को मेजर किया जहां पर टोनी क्रूज ने सारे मैचेस को एक्टिवली प्ले करा है। आपका फेवरेट मिडफील्डर कौन है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन में कौन से दो प्लेयर्स होने चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।